छोले कुलचों के अंदर बटर डलता हुआ था आपने बहुत देखा होगा, पर आज यहाँ पर उल्टा होने वाला है। बटर के अंदर छोले कुलचे डलने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा तवे पे एक दो की बटर आ चुका है इस वक्त, और उसके ऊपर डलते जा रहे हैं कुलचे एक के बाद एक। बढ़िया तरीके से इन्हें कुलचों को नहलाया जा रहा है इस बटर के अंदर। ये बटर जो यूज किया जा रहा है वो नॉर्मल बटर नहीं है, अपना अमूल बटर है। ऐसी गजब की चीज खाली आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, फॉलो कर देना किंग्स फूड जी को, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना क्योंकि बहुत ही एपिक मेकिंग होने वाली है। बात यहाँ पर खाली कुलचों की नहीं है जो बटर में तले जा रहे हैं बढ़िया तरीके से, अभी यहाँ पर छोलों की भी बारी आएगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही एपिक मेकिंग होने वाली है। तो जैसे कि आपने देखा कुलचे बढ़िया तरीके से नहा चुके हैं बटर के अंदर, अब उसके ऊपर डाल दिया गया धनिया। अब इन्हें बढ़िया तरीके से मिलाया जा रहा है कुलचों को बटर के अंदर। देख रहे हो आप, बटर के अंदर कुलचों को मिलाया जा रहा है। और आप जैसे कि भीड़ देख रहे हो कि आसपास कितनी ज्यादा भीड़ लग रही है। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे हैं और 10 बजे बंदे आ जाते हैं, लोग आ जाते हैं यहाँ पर बटर वाले छोले कुलचे खाने। लोकेशन की बात करूं तो मामा जी के छोले कुलचे पीतमपुरा बहुत ज़्यादा फेमस है। आप जब भी यहाँ पर आओ, ईस्ट साइड आओ, रोहिणी साइड, तो आप कहीं किसी से पूछोगे तो बहुत ज़्यादा फेमस आपको इजीली मिल जाएंगे। 50 रुपये की ये प्लेट होती है छोले कुलचों की। और जैसे कि हमारे छोले लगने जा रहे हैं यहाँ पर, बढ़िया तरीके से टमाटर डाल दिया गया इसमें, धनिया डाल दिया गया, और ये ऊपर से उबले हुए छोले थोड़े से मसाले मिले हुए यहाँ पर डाले जा रहे हैं इस पतीले के अंदर बहुत बढ़िया तरीके से। जैसे कि आप देख रहे हो, इनको हार्ट अटैक वाला छोले कुलचे भी कहा जाता है क्योंकि इनमें इतना ज़्यादा बटर डलता है, इतना ज़्यादा बटर डलता है कि जितना आपने किसी और छोले कुलचों में कहीं पर नहीं देखा होगा। अब जैसे कि बहुत ज़्यादा हरी मिर्च भी यहाँ पर डाल दी गई है, ऊपर डाला जा रहा है नमक, बढ़िया तरीके से नमक डाला जाएगा जिससे टेस्ट जो है छोलों का बढ़िया आए, बटर ज़्यादा डलने की वजह से कम ना रह जाए। अब ऊपर से इसमें मसाले आ चुके हैं, लाल मिर्च का पाउडर आ चुका है और सब बढ़िया तरीके से मिलाया जा रहा है। हरी मिर्च भी आ चुकी है, लाल मिर्च का पाउडर भी आ चुका है, और भाई साहब बढ़िया तरीके से मिलाया जा रहा है। अभी तक इसमें बटर बटर तेल वेल कुछ नहीं डला है, ये अभी उबले हुए छोले हैं खाली। तो भाई जिन बंदों का मन कुलचों से ही भर जाता है ना कि भाई बस कुलचों में बटर देख के बन गया, भर गया मन, तो भाई वो उबले हुए छोले कुलचे, उबले हुए छोले ले सकते हैं, उनके साथ अपने छोले कुलचे इंजॉय कर सकते हैं। बट अगर अभी भी किसी भाई का मन नहीं भरा ना, वो कह रहा नहीं भाई अभी तो और बटर चाहिए मुझे, जो कुलचों में डला था बटर उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो भाई वो थोड़ा सा और इंतज़ार करे 2 मिनट का, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बटर और देखने को मिल जाएगा। बट जो बंदा, जिस भाई का, जिस बहन का मन भर चुका है कुलचों के अंदर बटर देख देख के, वो ये उबले छोलों के साथ भी लेके अपनी छोले कुलचे की प्लेट साइड हो सकता है। एंड चलो भाई अब वापस अपने बटर वाले छोले कुलचों की तरफ आ जाते हैं। बटर फिर से डाल दिया गया है तवे के ऊपर, पर इस बार इसमें कुलचे नहीं डाले जाएंगे, इस बार इसमें प्याज डाली गई है, और अब थोड़ी देर में इसमें डलने वाले टमाटर, बढ़िया तरीके टमाटर। तो समझ जाओ भाई कुलचे तो बनने वाले नहीं है इसके अंदर, क्या बनेंगे, जो पतीला भैया ने भर के उबले हुए छोलों का मिक्स किया था ना, अब वो इसके अंदर डलेगा। अब ये बनने वाले तड़के वाले छोले, तड़के वाले छोले और बटर से भरे हुए कुलचों के साथ ये बनने वाली है मेकिंग। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैं छोले डाल दिए गए, वो पतीला जो हमने थोड़ी देर पहले देखा था जो बॉयल हुए छोलों के साथ मिक्स कर रखा था, वो इस पतीले को इस तवे के ऊपर डाल दिया गया बढ़िया तरीके से, और घी और सॉरी बटर के साथ इसको बढ़िया तरीके से तड़का लगाया जाएगा इसके ऊपर। अब ऊपर से इसमें थोड़ी खटाई डाली जा रही है टेस्ट के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो कितना ज़्यादा बटर इसके अंदर यूज़ हुआ है, कम से कम लगा लो अगर एक बारी में ये छोले कुलचे बनते हैं ना तो 10 किलो बटर कम से कम आराम से यूज़ हो जाता होगा, और कम से कम उस 10 किलो बटर के अंदर 30 प्लेट बनती होगी मेरे ख्याल से। तो आप लगा सकते हो कितना बटर एक प्लेट के अंदर आता होगा, दिल खोल के बटर डाला जाता है जी। और ये मेकिंग खाली आपको दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी, मैंने कहीं और नहीं देखी। हाँ सूरत के अंदर मैंने सुना था कि बटर वाले आइसक्रीम और बटर वाले ये सब करते हैं, पर कोई नहीं चलो वो तो अलग चीज़ है। बट ये छोले कुलचों की बात की जाए तो बटर इतना ज़्यादा इसमें डल चुका है, बस क्या कहो 10 किलो बटर। अब बढ़िया तरीके से आप रंग भी देख रहे होगे छोलों का किस तरीके का हो गया बटर के साथ मिल मिल के, तो भैया बढ़िया तरीके से छोलों को लगा रहे हैं। और अभी भी यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, इसके ऊपर बाहर से भी बटर डलता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। अब जैसे कि आप देख रहे हो बढ़िया तरीके से भैया प्लेट पे प्लेट लगाए जा रहे हैं, तड़के वाले छोले हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। मेरे जिस भाई का बटर को देख देख के कुलचों के साथ ही मन भर चुका है, वो उबले हुए छोले भी ले सकता है जो स्टार्टिंग में पतीले में बने थे, बट उसके बाद भी किसी भाई को लग रहा है कि भाई और बटर चाहिए मुझे, तो वो ये तड़के वाले छोले और बटर में नहाए हुए कुलचों के साथ ट्राई कर सकता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कितना सारे हमने छोले बनाए थे पूरा तवा भर के, तो अब यहाँ पर उसके हिसाब से हमारे जो ये है क्या कहते हैं इसको कुलचे हैं, कुलचे भी कम रह गए हैं, तो ज़्यादा बनाए जा रहे हैं थोड़ी और, कम से कम 10 प्लेट और लग रही होगी कुलचों की। बढ़िया तरीके से वापस इसमें धनिया डाल दिया गया, 3 तवे यहाँ पर भैया यूज़ करते हैं बनाने के लिए कम से कम, जिसमें से एक तवे पर आपके छोले बनते हैं और बाकी तवे पर क्या बनते हैं आपके ये कुलचे। प्राइस की बात करूँ तो 50 रुपये एक प्लेट का प्राइस होता है, जैसे कि आप देख रहे हो कितने इसमें 2 पीस कुलचे के मिलते हैं आपको। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, लाइक कर देना एंड फॉलो कर देना किंग्स फूड जी को।